आज 16 अंकारी भावना भावना आत्मा भावना आत्मा की असली आवाज है। ये भावना ने पतित से पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए कार्यकारी हुआ है। भावना ही हर व्यक्ति को महान बना सकती है। षोडश करण भावना बहाने वाला वह जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है और तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त कर देता है। वैराग्य भावना व्यक्ति को संसार के आसार तो बता के उस मन चंचल मन को स्थिर करने का काम वैराग्य भावना करती है। 12 भावना एक ऐसी भावना है कि तीर्थंकर बनने से पहले वह जीव 12 भावना भी भाता है और 12 भावना भा के अनित्य शरीर आदि को लेके संसार के आसार तक समझ के वह आत्मा विकास करके ले लेता है। और मेरी भावना भी है, मेरी भावना का पाठ हर रोज करने से अपनी भावनाएं उज्ज्वल नियम से बन जाती हैं। महाराष्ट्र में जलगांव में एक श्राविका ने जेल में जाकर जेल में हर रोज सुबह जाकर 12 भावनाओं का जेल में रहने वाले उस लोगों को पाठ करके लिया और उन्होंने कितने दिनों में नेगेटिव पॉजिटिव हो गया इस पर उन्होंने PhD किया। यानी जेल में जाने के बाद मेरी भावना जो क्रूर लोग उन्होंने हर रोज मेरी भावना बोलने से उनके नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बने इसके ऊपर उन्होंने PhD किया है। इसीलिए हमारा कर्तव्य होता है कि अपने भावों को उज्ज्वल बनाने के लिए मेरी भावना वैराग्य भावना 12 भावना और तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कर्म भावना भावना भवनाशिनी और ऐसे
भावनाओं को हम भाते भाते दर्शन विशुद्धि से हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई थी। और कल हम लोगों ने मार्ग प्रभावना सुन के आए हैं, जिसके द्वारा खोज किया जाता है उसको मार्ग बोलते हैं। लेकिन जो हमारे में अनंत शक्ति है उसका ज्ञान होना यही मार्ग प्रभावना है। हमारे में जो अमूल्य निधि है वो रत्नत्रय के द्वारा, रत्नत्रय के मार्ग के द्वारा हमें अनंत चतुष्टय का, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो सकती है। और मार्ग प्रभावना के बाद आज सोलह कर्म भावना का अंतिम भावना प्रवचन वत्सल्य भावना। प्रवचन, इसके पहले भी आया था प्रवचन भक्ति, वहाँ प्रवचन शब्द शास्त्र के लिए बताया था। प्रकष्ट वचन जिनके होते हैं वही प्रवचन होते हैं। और वो वचन किनके होते हैं? तीर्थंकरों के प्रकष्ट वचन को प्रवचन कहते हैं। वचन से सामान्य शब्द कहा जाता है, वह वचन भौतिकता की ओर लेके जाता है, और महान पुरुषों के वचन हमारे लिए प्रवचन इसलिए होते हैं कि हमारे में जो अनंत शक्ति है उसका ज्ञान देता है प्रवचन। लेकिन आज प्रवचन का अर्थ साधर्मी के प्रति करुणा भाव रखना ही प्रवचन वत्सल्य भावना है। ये प्रवचन, यहाँ का शब्द रत्नत्रयधारी देशव्रति और सम्यक दृष्टि जीव सबके साथ लेना, जो जिन धर्म पे ऊपर विश्वास करके हुए अपनी यात्रा प्रारंभ किया है, ऐसे साधर्म के प्रति वात्सल्य के साथ रहना। आचार्य अक्लंक देव राजवार्तिक में बताते हैं कैसे रहना। गाय और बछड़ा जिस तरह गाय अपने बछड़े के साथ स्नेह से युक्त गाय रहती है, उसी तरह हम एक दूसरे के साथ वात्सल्य से रहेंगे तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। दर्शन विशुद्धि का जितना महत्व है उतना महत्व प्रवचन वात्सल्य भावना का भी है। एक आत्मा का स्वाभाविक गुण है ये वात्सल्य।
लेकिन जहाँ स्वार्थ आता है वहाँ मायाचार आ जाता है, कपट आ जाता है, ऊपर से व्यवहार अच्छा रहता है लेकिन अंदर छल रहता है, और छल के साथ वात्सल्य कभी नहीं रहता। तो इसलिए हम किसी से वात्सल्य भाव रखते हैं, सामने वाला रखे या न रखे, लेकिन हम हमारे आत्मा का विकास करके लेंगे ही। आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति बता रहे थे, आचार्य श्री अभी जो व्यक्ति आकर गया ना, वो आपके सामने एक बोलता है, पीछे एक बोलता है आपके प्रति। आचार्य श्री ने कहा उसका कर्म उसके साथ। हम तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि व्यवहार धर्म की व्याख्या क्या बताया, जो व्यवहार हम चाहते हैं वैसे व्यवहार दूसरे से करना ही धर्म है। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, महाभारत का प्रसंग आता है कि दुर्योधन को उन गंधर्वों ने पकड़ लिया, धृतराष्ट्र धर्मराज को कहते हैं आपके भाई को उन्होंने पकड़ लिया है, छुड़वा के लाना। धर्मराज भीम को बुलाते हैं और भीम को कहते हैं जाओ जल्दी दुर्योधन को छुड़ा के लाना। भीमराज कहते हैं भैया क्या कह रहे तुम, जिन्होंने द्रौपदी को सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश किया, जिनके कारण हमें वनवास में जाना पड़ा, उनके द्वारा क्या सहन किया और उसे छुड़वा के लाना, मैं तो नहीं ला सकता। जब भीम बोलते हैं तब धर्मराज बार बार समझाते हैं तो भीम तैयार नहीं होते, तो अर्जुन को कहते हैं, जब अर्जुन देखता है धर्मराज की ओर तो उनकी करुणा वात्सल्य देख के अर्जुन तैयार हो जाते हैं और वे दुर्योधन को छुड़ा के लाते हैं। तब धर्मराज कहते हैं देखो 100 कौरव है और 5 पांडव है, हम बाहर लड़ सकते हैं, बाहर के लोगों के लिए हम 100 और 5 अलग है, लेकिन घर में 105 ही है हम लोग। ये भाव अपने को रखना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य श्री कई बार कहते हैं हमारे में कभी कभी मतभेद होने की संभावना रहती है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं समाज में साधर्म्य के प्रति वात्सल्य नहीं रखते
और विधर्म के प्रति वात्सल्य प्रेम रखने की कोशिश करते हैं, यही समाज के लिए पतन के लिए कारण माना जाता है। इसलिए नहीं तो हम क्या करते, या ऊपर वालों से या नीचे वालों से वात्सल्य रखते हैं, लेकिन साधर्म के साथ नहीं रखते। यही हमारे आत्मा के पतन के साथ समाज का भी पतन होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए 8 अंग में बताकर आए हैं रत्नगर श्रावकाचार्य में। पहले 4 अंग अपने लिए हैं और आगे के 4 अंग ये हमारे अपने लिए और समाज के लिए, साधर्म के लिए है। ये हो स्थिति कर उपगोहन स्थितिकरण हो तब वात्सल्य होता है, और वात्सल्य के बिना समाज का संगठन नहीं होता। तो साधर्म के प्रति हमारा जितना वात्सल्य बढ़ेगा उतने गुणों का विकास होगा। किसके गुणों का विकास होगा? अपने ही गुणों का विकास होता है। इसीलिए भावनाओं को दरिद्रती मत बनाना, क्योंकि मैंने पहले कहा था आत्मा की असली आवाज़ है भावना, और भावना के कारण ही ये हमारा जीवन उज्जवल बनता है। ये भावना भावनाशिनी हम बोलते हैं, लेकिन ये कहाँ आया है? तो एक जगह श्लोक आया है, दानम दुर्गति नाशाय शीलम सदगति कारणम तप कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। जो हम बोलते ना बार बार भावना भवनाशिनी कहाँ आया है, उसके पहले और 3 बातें हैं। कौन कौन सी? दानम दुर्गति नाशाय शीलम सदगति कारणम तप कर्म विनाशाय भावना भवनाशिनी। तो ऐसी भावना हम भा रहे, और हम जितने वात्सल्य के साथ रहेंगे हमारे गुणों का विकास होगा। और एक प्रसंग गुरु महाराज ने कई प्रवचन में किए थे, हमें पढ़ने में आया था कि आँख का दूध होता है, आँख जानते हैं? आँख, आँख क्या होता है? आँख ने क्या, जो उसका पत्ती निकालने थे दूध आता है ना सफ़ेद सफ़ेद, अकौवा, हाँ अकौवा, अकौवा का दूध। एक बार भैंस और गाय के दूध के पास जाता है वो, और कहता है हमें मिला के ले ना साथ में। तो भैंस के दूध जो था वो कहता है भैया, मैं भैया तो कह सकता हूँ लेकिन आपको मिला से लेते मैं फट जाऊँगी, इसलिए आपके साथ दूर से ही मिलते हम क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो बाद में गाय के दूध के पास जाता है, वो कहते हमें मिला के ले ना, वो कहते नहीं हम ले सकते क्योंकि मैं मेरे स्वभाव को विभाव की ओर लेके नहीं जाना चाहती हूँ। तब आँख का दूध अकौवा का दूध कहता है तो आपको पानी कैसा चलता है, विजातीय है वो पानी,
विजाते होते हुए वे वो चलता है आपको, लेकिन हम क्यों नहीं चलते? क्योंकि हमारे दोनों का कलर एक है, और दोनों का कलर जब एक है तो हमें भी आपको मिला के लेना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, वो पानी में क्या है, मिलनसार स्वभाव है। जानते हैं मिलनसार क्या होता है? पानी जिसका संगति करता है उसी अनुसार रंग बदल देता है, तो इसको कहते मिलनसार। तो इसीलिए दूध विजाते होते हुए भी हम इसलिए उसको उससे मिल लेते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव हमारा स्वभाव को विभाव में लेके नहीं जाता। उसकी मिलनसार जो स्वभाव है उसी के कारण हमारा कार्य होता है। तो ऐसे इस सोलाकर भावना में यह वात्सल्य भावना साधर्मी के प्रति हमारा उज्ज्वल बने, क्योंकि इसी के द्वारा आत्मा में विशुद्धता बढ़ती है। और आत्मा में जो हमारे विचार मलिन होने वाले थे वो क्या बनते? वात्सल्य के कारण हमारे भावनाएं निर्मल बनती है, क्योंकि वात्सल्य में स्नेह है, वात्सल्य में कपट छल नहीं है, जो है वही है। अंदर एक, बाहर एक, क्रिया में तीसरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो निस्वार्थ स्नेह रखना ही प्रवचन वात्सल्य भावना है, और ऐसी भावना को आज आपको पूजन करना है। और रत्नत्रय की पूजन तो हो गई कल ही, रत्नत्रय का भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय भी कल ही हो गया है। और आज सिर्फ भावना है, क्योंकि सम्यक दर्शन यही हमारे धर्म के पात्र बनने का एक अमोघ शस्त्र है। कर्मों की निर्जरा करने वाला पात्र व्यक्ति कब बनता है? तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि बने बिना, सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना धर्म को ग्रहण करने का पात्र तब तक व्यक्ति बन ही नहीं सकता। जिस दिन हम मिथ्यात्व का त्याग करेंगे और सच्चे देवगुरु शास्त्र के अधीन हो जाएंगे। मैं इसलिए रख रहा हूँ, कोई भी कार्य किया जाता है परीक्षा किए बिना धर्म नहीं करना। जो भी धर्म हो वो धर्म करने से हमें क्या मिलने वाला है? क्योंकि ऋषि मुनि ने बताया है कि धर्म, कई लोगों की मान्यता है भगवान देते हैं, भगवान सुख दुख के कर्ता भगवान हैं, उनके लिए गीता का 5वां अध्याय में एक श्लोक आया है, न कर्तृत्व कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। श्री कृष्ण जी कहते हैं न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, कर्म कोई देता नहीं, कर्म कोई लेता नहीं, जो जैसे कर्म करता है उसी का यह स्वभाव है कि उसी स्वभाव के अनुसार ही शुभ अशुभ कर्म के अनुसार फल मिलता है। अगर भगवान देते थे तो हमारे कर्म का क्या होगा? भगवान सुखी हमें करते या दुख से हमें मुक्त करते? तो हमने एक दिन प्रश्न किया था आप लोगों को, एक व्यक्ति रात को पार्टी किया,
पार्टी में शराब ज़्यादा पिया, 9 बजे तक उतरी नहीं, तो अब ऑफिस में तो जाना है। अब भगवान के पास जाकर स्लीपर लेके गया कि भगवान हमारे उतर जाए। क्या रात को पिए हुए उतरी नहीं है, भगवान के सामने स्लीपर चढ़ाएंगे तो उतरेगी क्या? भगवान कहते जितनी पिया है उतनी नशा भोगना पड़ेगा, उसी तरह जितना तुमने पाप पुण्य किया है आपको ये भोगना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म कहता है, ईश्वरवाद का खंडन करता है, और इसीलिए कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा खुद बन सकता है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। जिस तरह दूध में घी का विश्वास है, उसी तरह देह में परमात्मा का विश्वास हमें है। लेकिन दूध में हाथ डालने से घी मिलेगा? नहीं तो किसी के पड़ोस वालों के पास दे देना, ये दूध रखो और घी हमें दे दो। वो कहता है हमारा घी क्यों दे देंगे? तो आपके दूध का आपको ये घी तैयार करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो ज्ञान है, दूध में से घी निकालने का ज्ञान हो तो निकल सकता है, उसी तरह पतित आत्मा को परमात्मा बनाने का ज्ञान जैन धर्म। अब वर्तमान में हम कौन हैं? दूध है क्या, मट्ठा है क्या, दही है, सो रहे क्या, क्या है आप, क्या है? दूध है, गर्म दूध है क्या, ठंडे दूध है, ये पहला पूछना पड़ेगा। क्योंकि ठंडे दूध से दही बनता है, थोड़ा सा कुनकुना होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि 16 कर्म भावना और 10 लक्षण के कारण दूध कुनकुना हो गया है। अब इसमें समय पर हम आगे की क्रिया करेंगे तो चातुर्मास के अंत के समय में क्या होता है, निर्वाण दिन आता है। तो उसी तरह अब दूध कुनकुना है, आगे की क्रिया शुरू हो जाए और निर्वाण तक क्या हो जाए, दही बन के त्रयोदशी तक नवनीत बन के 2-3 दिन गर्म करेंगे तो महावीर निर्वाण के दिन घी हो जाएगा। और एक बार घी बनता है तो पुनः दूध नहीं बनता। उसी तरह जैन धर्म में एक बार आत्मा परमात्मा बनती है तो पुनः संसार में नहीं आती। अन्य दर्शन अवतारवाद है और जैन दर्शन उत्तरवाद है। अन्य दर्शन में ऊपर से नीचे आते हैं और इसका मतलब है शुद्ध आत्मा अशुद्ध बनता है, और जैन दर्शन उत्तरवादी है, अशुद्ध आत्मा शुद्ध बनता है, और वो बनने का सौभाग्य हमें मिला है। और ऐसे इस भावनाओं को उज्ज्वल प्रत्येक समय बनाना है। ये सिर्फ 16 दिन का कार्य हो गया, 10 लक्षण का 10 लक्षण हो गया, अब प्रैक्टिकल का समय आज से शुरू हो जाएगा। एक बार क्षमा एक दूसरे से, आज नाटक होने वाला है, ढूंढ ढूंढ के। आज सुबह मैं जंगल गया था, 7 वाले बोल रहे थे मोबाइल भर गया है, इतना आया है, जो जानता नहीं वो भी क्षमा मांग रहा है, ये बहुत अच्छा है। वो कार्ड में, कार्ड तो छपे हुए मिलते, अब कार्ड का विषय ले, बस समाज अहिंसा क्लब सब वीर शासन सब गए, दिगंबर जैन समाज सब गए,
घर बैठे बैठे सबसे खमा में सोजे वाला, बस ऐसे नहीं। ये ऊपर ऊपर से नहीं होता, वो दोपहर के प्रवचन में विषय रखेंगे। आज संडे भी है, बहुत अच्छा है। क्षमावानी कौन से दिन आ गया है, बहुत अच्छा। क्षमावानी को भी चिंता थी क्योंकि सोमवार मंगलवार है तो कौन मिलेगा हमें, इसलिए नहीं तो कोई कहेगा मुझे आना था आपके पास लेकिन ऑफिस गया था। लेकिन बहुत अच्छा हुआ संडे के दिन, प्रत्येक को छुट्टी है जब कैसे क्षमावानी को वात्सल्य। देखो प्रवचन वात्सल्य भी है और क्षमावानी भी है, इसका मतलब है अभी पूजा करके हमारे में जो वात्सल्य भाव है उसी भाव के साथ हम क्षमावानी भी दोपहर को मनाने वाले। और इतना याद रखना, सामने वाला क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन आचार्य करे थे हम क्षमा मांग के हमारा खाता नील करेंगे और यही शाश्वत सुख को प्राप्त आयु सकते।